क्या तुम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर कोई भी टूल में एक एक करके एन्चेंटमेंट ऐड करते हो, या फिर क्या एक ब्लॉक के थ्रू कुछ इस तरीके से माइनिंग करते हो, तो फिर बहुत ही गलत कर रहे हो मेरे भाई। और बताओ कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे ट्रिक जिनका इस्तेमाल करके हम लोग अपने काम को बहुत ही ज्यादा आसान बना सकते हैं। चलो जी भैया, निकल लेते अपना पहले नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि है भाई बोट। क्या तुम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर बोट के मदद से हम लोग बड़े आराम से पानी के आर पार देख सकते। जी हाँ, इस वाले टेक्निक को यूज करने के लिए अपने को बस बोट के अंदर बैठना है एंड देन पीछे से अपने कैमरा एंगल को कुछ इस तरीके से सेट करना है। एंड ये लीजिए भैया, पानी के आर पार दिखना चालू हो चुका है। इस वाले टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग बड़े आराम से अंडर वाटर रुइन एंड सिपरैक वगैरह ढूंढ सकते हैं। और अगर इसमें मजा नहीं आ रहा है तो हम लोग अपने एफओबी को इंक्रीज करके और भी बढ़िया तरीके से देख सकते। क्या बात कर रहे हो, पानी के अंदर का सारा मामला पानी एकदम क्लियर कट नजर आ रहा है। चलो जो है निकल लेते अपना दूसरे नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि आ रहा है सीधे बेडरॉक एडिशन से। क्या तुम लोगों को बताए माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर हम लोग स्टीव के हाइट को छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। सोचो एक बारी, अगर तुम्हारे प्लेयर का हाइट छोटा हो जाए तो लोगों से बचना कितना आसान हो जाएगा। इस वाले सेटिंग को ऑन करने के लिए अपने को पहले बेडरॉक एडिशन के अंदर स्किन वाले सेटिंग में जाना है, उसके बाद कैरेक्टर क्रिएटर में जाना है एंड देन साइज में जाना है। एंड ये लीजिए भैया, इधर से हम लोग स्टीव के हाइट को छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ही छोटा होता है भाई, अच्छा खासा छोटा होता है। कोई बंदा अगर सबसे छोटा वाला स्किन इस्तेमाल कर लेगा तो उसको मारना मुश्किल हो जाएगा। खैर चलो जी भैया, निकल लेते हैं अपना तीसरे नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि है भाई पावर ट्रेल। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर तुम लोग कुछ इस तरीके से पावर ट्रेल का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर बहुत ही गलत कर रहे हो मेरे भाई। बेसिकली माइनक्राफ्ट के अंदर पावर ट्रेल थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। देखो अगर हम लोग लगातार पावर ट्रेल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर अपने को जितना स्पीड मिलता है वही स्पीड अपने को मिलता है अगर हम लोग नॉर्मल रेल के बीच बीच में पावर ट्रेल का इस्तेमाल करते हैं। हां जी भैया, अगर हम लोग लगातार पावर ट्रेल का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पावर ट्रेल का वेस्ट होता है और कुछ नहीं। एक और तरीका भी है जिसके मदद से हम लोग पावर ट्रेल के बिना ही माइन कार को बड़ा तेजी से भगा सकते हैं। अपने को बस एक माइन कार के अंदर एक पिक को डाल देना है एंड देन उसके ऊपर सैडल लगा के बैठ जाना है। ये वाले टेक्निक का इस्तेमाल करके नॉर्मल रेलवे ट्रैक के ऊपर भी माइन कार काफी ज्यादा तेजी से दौड़ेगा। खैर चलो जी भैया, निकल लेते हैं अपना चौथे नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि है भाई एक्सरे ग्लिच। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर एक्सरे ग्लिच बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। जैसे कि इस वाले एक्सरे ग्लिच के अंदर पहले अपने को एक ब्लॉक के चारों साइड स्लब लगा देना है एंड देन एक स्लब के ऊपर एक ब्लॉक लगा के उसके अंदर एक ट्रैप डोर लगा देना है। अब इस स्लब के सामने से अपने को पिस्टन लगा देना है एंड देन ट्रैप डोर का इस्तेमाल करके पहले क्रोलिंग पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद जैसे ही हम लोग पिस्टन को एक्टिवेट करेंगे, बूम भाई, अपने को जमीन के आर पार दिखना चालू हो जाएगा। इस वाले एक्सरे ग्लिच का इस्तेमाल करके हम लोग बड़े आराम से डंजन, ट्रायल चेंबर, एंसेंट सिटी वगैरह ढूंढ सकते हैं। खैर चलो जी भैया, लेट्स गो, निकल लेते हैं अपना पांचवे नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि है भाई मड ब्लॉक। माइनक्राफ्ट के अंदर मड ब्लॉक में एक बहुत ही बेहतरीन फीचर देखने को मिलता है। मड ब्लॉक अदर्स ब्लॉक से थोड़ा सा छोटा होता है, इसीलिए अगर हम लोग मड ब्लॉक के ऊपर खड़े होते हैं तो अपना पैर थोड़ा सा जमीन के अंदर धस जाता है, सेम जैसा अपने को सोल सैंड के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि मड ब्लॉक एक फुल ब्लॉक नहीं है, इसीलिए अगर हम लोग मड ब्लॉक के नीचे हॉपर लगा देते एंड देन मड ब्लॉक के ऊपर कोई भी आइटम को ड्रॉप करते हैं तो वो भाई मड ब्लॉक को पास करके हॉपर में चला जाता है। मड ब्लॉक का यही वाले फीचर का फायदा उठा के हम लोग बहुत सारे फार्म में मड ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सुगर केन फार्म। इस वाले फार्म के अंदर जब भी सुगर केन ड्रॉप होता है तो वो भाई मड ब्लॉक को पास करके हॉपर में चला जाता है। बात आओ यार, सिंपल एंड एफिशिएंट। और दौर मड ब्लॉक के ऊपर बाम्बू एंड स्वीट बेरीज भी ग्रो होता है तो उनका फार्म भी बनाया जा सकता है। अभी तुम लोग कहोगे यार बाम्बू फार्म तो ठीक है लेकिन स्वीट बेरी फार्म कैसे बनाएंगे, हैरान हो जाओगे। लेकिन मड ब्लॉक का इस्तेमाल करके हम लोग एक फुल्ली ऑटोमेटिक स्वीट बेरीज फार्म बना सकते है। अपने को बस हॉपर लगा के उसके ऊपर मड ब्लॉक लगा के स्वीट बेरीज को लगा देना है एंड देन फार्म के अंदर अपने को थोड़ा बहुत फॉक्स छोड़ देना है। बिल्कुल, ये तो हम सबको पता है फॉक्स भाई खुद से स्वीट बेरीज तोड़ सकता है, तो जब भी वो स्वीट बेरीज तो वो भाई हॉपर के थ्रू चेस्ट में चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग फुल्ली ऑटोमेटिक स्वीट बेरीज फार्म बना सकते हैं। चलो जी भैया, निकल लेते हैं अपना छठे नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि है भाई क्रोलिंग। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर सब लोग कहते हैं भाई एक ब्लॉक के थ्रू माइनिंग करना सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन ये कोई नहीं कहता एक ब्लॉक के थ्रू मूव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर हम लोग जमीन के ऊपर क्रोलिंग करते हैं तो अपना कैरेक्टर बहुत स्लो मूव करता है, इसीलिए माइनिंग करके वापस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल
मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा एंचेंटमेंट है जिसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो एक ब्लॉक के थ्रू मूव करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्विफ्ट स्नीक एंचेंटमेंट के बारे में। स्विफ्ट स्नीक एंचेंटमेंट सिर्फ और सिर्फ क्राउच होने पे काम में नहीं आता है। अगर हम लोग पैंट्स के अंदर स्विफ्ट स्नीक एंचेंटमेंट लगा देते हैं तो फिर हम लोग क्रोलिंग करके बहुत ही जल्दी मूव कर सकते हैं। स्विफ्ट स्नीक एंचेंटमेंट भाई क्रोलिंग करते टाइम प्लेयर का मूवमेंट 75% तक बढ़ा सकता है। लेट्स गो, निकल लेते अपना 7वें नंबर की फीचर के ऊपर जो कि है भाई फॉर्चून होई। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर फॉर्चून 3 होई का बहुत ही तगड़ा यूज है। अभी तुम लोग कहोगे हाँ यार फॉर्चून 3 होई की मदद से अगर हम लोग क्रॉप्स को तोड़ते हैं तो अपने को ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स मिलता है। लेकिन उसमें होई का क्या काम है, हम लोग पीकेक्स की मदद से भी क्रॉप्स तोड़ सकते हैं। फॉर्चून 3 पीकेक्स भी क्रॉप्स के ऊपर काम करता है। देखो ये तो हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर लीव्स तोड़ने का सबसे बढ़िया हथियार है भाई होई। देखो यही पे काम में आता है फॉर्चून 3। अगर हम लोग फॉर्चून 3 होई से लीव्स को तोड़ते तो अपने को ज्यादा से ज्यादा सैपलिंग मिलता है और तो और ज्यादा से ज्यादा एप्पल मिलने का भी चांस होता है। चलो जी भैया फटाफट निकल लेते अपना 8वें नंबर की फीचर के ऊपर जो कि है भाई सस्पीशियस 2। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग मशरूम को कोई भी एक फ्लावर खिलाते हैं एंड देन उसके ऊपर बोल का इस्तेमाल करते हैं तो अपने को मिल जाता है भाई सस्पीशियस 2। लेकिन इस वाले सस्पीशियस 2 के अंदर कौन सा इफेक्ट मिलेगा वो डिपेंड करता है हम लोग मशरूम को कौन सा वाला फ्लावर खिला रहे उसके ऊपर। जैसे कि अगर हम लोग एलियम फ्लावर को मशरूम को खिलाते हैं तो अपने को मिल जाता है फायर रेजिस्टेंस वाला सस्पीशियस 2। अगर हम लोग एजियोर बुलेट फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं तो अपने को मिल जाता है ब्लाइंडनेस इफेक्ट। अगर हम लोग ब्लू ऑर्किड या फिर डेंडेलाइन का इस्तेमाल करते हैं तो अपने को देखने को मिल जाता है सैचुरेशन इफेक्ट। अगर हम लोग कॉर्न फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं तो अपने को देखने को मिल जाता है जंप बूस्ट इफेक्ट। लिली ऑफ द वैली का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो अपने को मिल जाता है पॉइजन इफेक्ट। और तो और अगर हम लोग ऑक्साइड डेजी का इस्तेमाल मशरूम के ऊपर करते हैं तो अपने को सबसे यूजफुल इफेक्ट मिलता है जो कि है भाई रीजनरेशन। पॉपी या फिर टॉर्च फ्लावर का इस्तेमाल करने पे अपने को मिल जाता है नाइट विजन इफेक्ट। ट्यूलिप्स का इस्तेमाल करने पे अपने को मिल जाता है वीकनेस इफेक्ट। और तो और लास्ट में अगर हम लोग विदर रोज का इस्तेमाल करते तो अपने को मिल जाता है भाई विदर इफेक्ट। बात आओ यार विदर इफेक्ट भी हम लोग ले सकते हैं। खैर साइड से निकल लेते और चलते अपना लास्ट वाला फीचर के ऊपर। क्या माइनक्राफ्ट के अंदर कोई भी टूल में तुम लोग एक एक करके एंचेंटमेंट डालते हो तो फिर बहुत ही गलत कर रहे हो मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट का वेस्ट कर रहे हो तुम लोग। और तो और बार बार एक ही टूल के अंदर एंचेंटमेंट डालने की वजह से बहुत जल्दी टू एक्सपेंसिव भी आ जाता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए अपने को एंचांटेड बुक को मार्ज करके इस्तेमाल करना चाहिए। देखो हर एक एंचांटेड बुक का अलग अलग लेवल रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि शार्पनेस बुक के लिए अपने को 6 लेवल चाहिए होता है और मेंडिंग बुक के लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल चाहिए होता है। देखो नॉर्मली अगर हम लोग कोई भी स्वॉर्ड के अंदर एक एक करके सार का सारा एंचेंटमेंट डाल देते तो अपने को कुल मिला के 148 लेवल का खर्चा पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग अपने खुराबाती दिमाग का इस्तेमाल करते और दो दो बुक को मर्ज कर लेते एंड देन एंड में सारा का सारा बुक को एक साथ कर लेते, उसके बाद जो फाइनल बुक होता है उसको स्वॉर्ड के अंदर डालते तो अपने को टोटल सिर्फ और सिर्फ 74 लेवल का खर्चा पड़ता है, सीधे आधा भाई। और तो और हम लोग स्वॉर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एंचांटेड बुक का इस्तेमाल कर रहे तो टू एक्सपेंसिव आने का चिंता ही नहीं है भाई। तो चलो जी भैया इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। अगर ऐसे वीडियो देखना है तो इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।